जिला कांगड़ा में जिला प्रशासन स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सरगर्मी के साथ जुट चुका है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस आजादी के बाद से लेकर अब तक बनाए गए स्वतंत्रता दिवस से बहुत हटकर होगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर भी कोरोना का पूरी तरह से साया है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक हर प्रकार के कार्यक्रमों में एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाकायदा जिला प्रशासन लगातार बैठकें भी कर रहा है कि कैसे इस बार आजादी के दिवस को कोरोना के साए से भी बचाया जाए और लोगों का भी मनोरंजन किया जा सके। हालांकि इस बार के स्वतंत्रता दिवस में बीते सालों की अपेक्षा कल्चर एक्टिविटी स्कूली छात्रों की ओर से निकाली जाने वाली झांकियां मैदान में एनसीसी कैंडिडेट की ओर से की जाने वाली परेड नहीं हो पाएगी। बावजूद इसके फिर भी आजादी के इस दिवस को ठीक उसी तर्ज पर मनाने की कोशिश की जाएगी जैसे इन दिनों हर सरकारी दिवस मनाए जा रहे हैं। जिलाधीश राकेश प्रजापति की माने तो उनकी ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बकायदा स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन इस समारोह के लिए देखी जा रही है। एहतियातन कई तरह के फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन इस समारोह में कितने लोग आ पाएंगे, कितनों को शरीक किया जाना है, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसी कोई भी गाइडलाइन अभी प्रशासन के पास नहीं पहुंची है। वहीं उन्होंने बताया कि अगर इस समारोह में जनता शरीक भी होना चाहे तो वो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मानकों पर पहले पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करे, तभी समारोह स्थल पर पहुंचे। हालांकि इसके लिए उन्होंने साफ किया है कि प्रशासन इस बात को पूर्णतः सुनिश्चित करवाएगा कि समारोह स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं, साथ ही यहां आने वाला हर शख्स पूरी तरह से मास्क पहनकर आ रहा है या नहीं। इस मौके पर औपचारिकता बिल्कुल नहीं निभाई जाएगी, क्योंकि जान है तो जहान है। और जैसे कि आपको पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम लोग, और कोरोना के समय में किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए और मेडिकल जो टीम आई थी उनके एडवाइस के अनुसार जो जो भी हमें उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत थी पिछले साल से, वो चेंजेस आज डिस्कस हुए हैं मीटिंग में। खास करके जो हमारे स्कूली बच्चे जो पहले पार्टिसिपेट करते थे परेड में पार्टिसिपेट करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में, वो इस बार नहीं होगा, तो उतना पोर्शन कट डाउन किया गया है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बाकी जो कार्यक्रम होगा जैसे पिछले साल हम सेलिब्रेट कर रहे थे उसी प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, जितना कम लोग हों उतना बेहतर होगा, और साथ में कोशिश हमारी यही रहेगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें और पब्लिकली जब लोग निकल कर रहे हैं मास्क वगैरह लगा कर लोग आ रहे हैं। और ये अभी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होना है, उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, उचित समय पर आपको बताया जाएगा।